अगर आपको टैटूज अच्छे लगते हैं और आप भी टैटू बनवाने के लिए सोच रहे हैं तो यह खबर आपको ध्यान से देखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 68 महिलाओं को एड्स जैसी जानलेवा बीमारी डायग्नोज हुई है। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि 68 में से 20 महिलाओं ने HIV की वजह टैटू बनवाना बताया है। आप यह भी सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, टैटू से कैसे HIV हो सकता है। दरअसल इन महिलाओं को शक है कि टैटू वाले आर्टिस्ट ने बार बार एक ही निडल का इस्तेमाल किया और जिस निडल का बार बार इस्तेमाल हुआ वो HIV से संक्रमित थी। उसी निडल से इन 68 महिलाओं को एड्स फैलने की आशंका भी जताई जा रही है। वैसे भी कई रिपोर्ट्स ये कहती है कि टैटू बनवाने से कई तरह की घातक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। गाजियाबाद में पिछले 4 सालों में करीब 68 महिलाएं HIV पॉजिटिव पाई गई है। खुलासा जिला महिला अस्पताल में प्रसव से पूर्व हुए टेस्ट से हुआ है। कुछ महिलाओं का कहना है कि सड़क किनारे टैटू बनवाने से उन्हें संक्रमण हुआ। अमेरिकी साइंस जनरल एनालिटिकल केमिस्ट्री में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक स्किन कैंसर का खतरा टैटू बनवाने से बढ़ जाता है। हम आपको बता दें कि इसकी सबसे बड़ी वजह है टैटू बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्याही में घुले खतरनाक केमिकल्स। रिपोर्ट में बताया गया कि टैटू की कुछ स्याही में पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल नाम का एक केमिकल होता है जिससे स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इस केमिकल का इस्तेमाल टैटू की स्याही को शरीर पर जमाने में किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्याही में मौजूद केमिकल शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। साथ ही स्याही में इस्तेमाल केमिकल से किडनी और नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर्स की सलाह है कि टैटू बनवाने से पहले स्याही में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स और उनसे होने वाले नुकसान की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए।